हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज बात करते हैं बजरंगबली हनुमान जी की। हनुमान जन्मोत्सव एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। वे चिरंजीवी मतलब त्रेता युग से अभी तक जीवित हैं और श्री राम जी का नाम जप कर रहे हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं के रूप में माना जाता है। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हो शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम के हाथ मोक्ष प्रदान करने की लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिला सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए, जो सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के अनुसार उन्हें मृत्यु के साथ साथ मोक्ष भी दिलाया। आइए आज हनुमान जी की ही बात करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव को हनुमान जी का गुरु माना गया है। जना और पवन के पुत्र हनुमान जी के जन्म की कहानी। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र मेष लग्न के योग में सुबह 6:15 बजे हुआ था। हनुमान जी की माता अंजना के पूर्व जन्म की कहानी आइए जानते हैं। कहते हैं माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू बानर की तरह स्वभाव वाली बनरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। श्री हनुमान जी की बाल्यावस्था। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान थी, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सरा और सेविकाएं थीं, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना अप्सरा पुंजिक स्थला। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिताते हुए कहा कि एक तपस्वी साधु का उन पर श्राप है, अगर हो सके तो उससे उन्हें मुक्ति दिला दे। इंद्र ने उनसे कहा, वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा सके। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी बतानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो एक वानर तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैं उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दी। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई साधु आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी थे। मैं उनकी तपस्या भंग कर दी। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जब भी किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत लड़ाने माफी मांगने पर उस साधु ने मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का मेरी तरफ प्रेम कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा, अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सके तो वह उनकी बहुत आभारी रहेगी। इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती जाकर वास करना होगा, जहाँ वह अपने पति से मिलेंगे। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर आई, केसरी से विवाह। इंद्र की बात मानकर वह नारी के रूप में धरती पर जन्म ली। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था, और एक शिकारण के तौर पर
जीवन यापन करने लगे। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा, उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा बाना जैसे हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा, वह कोई और नहीं वानर राज केसरी है, जो जब इंसान ही चाहे इंसान रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सकता। जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था, तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान यानी हाथी को मारने वाला के नाम से जाना जाता है। ना को पवन देव का वरदान। मतंग रामायण काली ने एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजना ने मतंग ऋषि अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष की आयु तक वायु पर जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि व एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा। अंजना ने मतंग ऋषि एवं पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मगन थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी। दूसरी तरफ अयोध्या में एक शौकवंशी महाराज अज के पुत्र अयोध्या के महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूरा हाथी पर स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी से थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझ उसे ग्रहण कर लिया। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान का अवतार सामान्यतः लंका दहन के संबंध में ये माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे थे हनुमान जी। रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत किया। तब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री हनुमान को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू किया। रावण ने श्री हनुमान जी की पूछ में आग लगाने का दंड दिया। तब उसी जलती पूछ से हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और रावण का दंभ दूर कर दिया। किंतु पुराणों में लंका दहन के पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी है, जिसके कारण श्री हनुमान जी ने पूछ से लंका में आग लगाई। श्री हनुमान जी शिव अवतार हैं, शिव से ही जुड़ा है यह रोचक प्रसंग। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया था, इसीलिए उसकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा।
तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया। भोले भंडारी ऋषि ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माता पार्वती के लिए जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया। उन्होंने आकर माता की रक्षा की। तब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं बानर रूप में हनुमान का अवतार लूंगा, उस समय तुम मेरी पूछ बन जाना। तब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊंगा, तो तुम उस पूछ के रूप में लंका में आग लगाकर रावण को दंडित करना। हनुमान जी की प्रसिद्धि कथा। अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को जन्मेजय नाम से भी अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न पुत्र यानी अंजनेय। माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केशरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फल फूल लेने गए थे। इसी समय बाल हनुमान को भूख एवं अपनी माता की अनुपस्थिति में भूख के कारण आक्रंद करने लगे। इसी दौरान उनकी नज़र क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा यह कोई लाल फल है। यहाँ पर तो हनुमान जी के रूप में माता श्री अंजनी के गर्भ से प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और श्री पवन देव ने उनके उड़ने की शक्ति भी प्रदान की थी। जब शिशु हनुमान जी को भूख लगी तो उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे आकाश में पकड़ने के लिए उड़ने लगे। तब उस लाल फल को लेने हनुमान जी वायुवेग से आकाश में उड़ने लगे। उनको देख देवदानव सभी विस्मयतापूर्वक कहने लगे, बाल्यावस्था में ऐसा पराक्रमी बालक देखा और यह बालक यौना काल में क्या करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से जल ले नहीं दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो अभिभूत होकर वहां से भाग गया। तब इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तो दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए, उसे साथ लेकर सूर्य को चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र की रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार कर दिया। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार कर दिया जिससे वे एक पर्वत पर गिरे। उनकी बाईं टुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार में कोई प्राणी सांस न ले सका। सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। तभी श्री ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी भी ब्रह्मशाप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से भी कहा, इस बालक को आप सभी वरदान दें। तब देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा, मेरे वज्रभार के कारण इस बालक की हनु टूट गई है, इसलिए कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान रहेगा। मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा वज्र से कठोर होगा। श्री सूर्यदेव ने कहा, इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ, मैं इसको शस्त्र समर्थ मर्मज्ञ बनाता हूँ। हनुमान जी के कुछ नाम है और उनके अर्थ। हनुमान जी को मारुति, बजरंगबली इत्यादि नामों से जानते हैं। मरुत शब्द से ही मारुति शब्द की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख मारुतात्मज के नाम से किया गया है। हनुमान जी का एक अन्य नाम है बजरंगबली। बजरंगबली यह शब्द बजरांग बली के अभ्रंश से बना है, जिसमें वज्र के समान कठोर व शस्त्र का सामना करने की शक्ति है। वे ब्रजांग बली हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण से लखन, कृष्ण से कृष्ण सरल नाम लोगों ने अभ्रंश कर उपयोग में लाया, उसी तरह बजरांग बली का अभ्रंश बजरंग बली हो गया।
हनुमान जी की बहुत विशेषताएं। अनेक संतों ने समाज में हनुमान जी की उपासना को प्रचलित किया है। ऐसे हनुमान जी के संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, हनुमान जी हमारे देवता, हनुमान जी की शक्ति युक्ति एवं भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना, स्वामी समर्थ रामदास ने हनुमान जी की उपासना प्रथा आरम्भ की। महाराष्ट्र में उनके द्वारा स्थापित 11 मारुति प्रसिद्ध हैं। साथ ही संत तुलसीदास ने उत्तर भारत में मारुति के अनेक मंदिर स्थापित किए, उनकी उपासना दृढ़ की। दक्षिण भारत में माधवाचार्य को मारुति का अवतार माना जाता है। इसके साथ ही अन्य संतों ने भी अपनी विविध रचनाओं के द्वारा समाज के समक्ष मारुति का आदर्श रखा है। शक्तिमानता, हनुमान जी सर्वशक्तिमान देवता हैं। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरी। इससे स्पष्ट होता है कि वायुपुत्र अर्थात वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान जी सूर्य पर अर्थात तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश तत्वों में से तेज तत्व की तुलना में वायु तत्व अधिक सूक्ष्म है अर्थात अधिक शक्तिमान है। सर्व देवताओं में केवल हनुमान जी को ही अनिष्ट शक्तियां कष्ट नहीं दे सकती। लंका में लाक्षों राक्षस थे, तब भी वे हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हम इसी से हनुमान जी की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। हनुमान जी भूतों के स्वामी माने जाते। किसी को भूत बाधा हो उस व्यक्ति को हनुमान जी के मंदिर में ले जाया जाता है। साथ ही हनुमान जी से संबंधित स्त्रोत्र, हनुमत कवच, भीम रूपी स्त्रोत्र अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। साधना में जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक, शिष्य एवं भक्त ऐसे उन्नति के चरण होते हैं। इसमें भक्त यह अंतिम चरण है। भक्त अर्थात वह जो भगवान से विभक्त नहीं है। हनुमान जी भगवान श्री राम के पूर्णतया एक रूप है। जब भी नवविद्या भक्ति में दास्य भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिया जाता है, तब हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है। वह अपने प्रभु राम के लिए प्राण अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर है। प्रभु श्री राम की सेवा की तुलना में उन्हें सब कुछ कौड़ी के मोल लगता है। हनुमान सेवक एवं सैनिक का एक सुंदर सम्मिश्रण है। स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने आप को श्री राम जी का दास कहलवाते थे। उनकी यह भावना थी, उनकी शक्ति भी श्री राम जी की शक्ति है। मान अर्थात शक्तियों भक्ति का संगम। हनुमान जी मनोविज्ञान में निपुण एवं राजनीति में कुशल थे। अनेक प्रसंगों में सुग्रीव इत्यादि वानर ही नहीं वरन हनुमान जी से राम जी भी परामर्श करते थे। लंका में प्रथम ही भेंट में हनुमान जी ने सीता जी के मन में अपने प्रति विश्वास निर्माण किया। इन्हीं प्रसंगों से हनुमान जी की बुद्धिमत्ता मनोविज्ञान में निपुणता सिद्ध होती है। लंका दहन कर हनुमान जी ने रावण की प्रजा में रावण के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया। इस बात से उनकी राजनीतिक कुशलता स्पष्ट होती है। हनुमान जी जितेंद्री हैं। सीता को ढूंढने वाले जब हनुमान जी रावण के अंतापुर में गए तो उस समय उनकी मन स्थिति उनके उच्च चरित्र का सूतक है। इस संदर्भ में स्वयं वो कहते हैं कि सर्व रावण पत्नियों को निशंक लेटे हुए मैंने देखा है, परंतु उन्हें देखने से मेरे मन में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। इंद्रजीत होने के कारण हनुमान जी रावण पुत्र इंद्रजीत को भी पराजित कर सके, तभी से इंद्रियों पर विजय पाने के लिए हनुमान जी की उपासना बताई गई। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हनुमान जी। हनुमान जी इच्छा पूर्ति करते हैं, इसलिए व्रत रखने वाले अनेक स्त्री पुरुष हनुमान जी की मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक निर्धारित परिक्रमा करते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि किसी कन्या का विवाह निश्चित ना हो रहा हो तो उसे ब्रह्मचारी हनुमान की उपासना करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में अत्युच्च स्तर के देवताओं में ब्रह्मचारी या विवाहित जैसा कोई भेद ही नहीं होता। ऐसा अंतर मानव निर्मित है। मनोविज्ञान के आधार पर कुछ लोगों की यह गलत धारणा होती है कि सुंदर बलवान पुरुष से विवाह कर की कामना से कन्याएं हनुमान जी की उपासना करती हैं, परंतु वास्तविक कारण कुछ इस प्रकार है। लगभग 30% व्यक्तियों का विवाह भूत बाधा, जादू टोना इत्यादि अनिष्ट के कारण नहीं हो पाता। हनुमान जी की उपासना करने से ये कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका विवाह संभव हो जाता है। क्यों और कैसे मनाई जाती है?
हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का उत्सव संपूर्ण भारत में विविध स्थानों पर मनाया जाता है। इस दिन 4 बजे से ही भक्त जन स्नान कर हनुमान जी के मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ मंदिरों में शुरू हो जाता है। हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर भजन कीर्तन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की मूर्ति को डोली में रखकर गीत गाया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति को हाथ में लेकर दिवाली की परिक्रमा की जाती है। यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आरती के उपरांत कुछ स्थानों पर सूंठ सूखे अदरक का चूर पिसी हुई चीनी सूखे नारियल का चूरा मिलाकर उस मिश्रण को कुछ स्थानों पर छुहारा बादाम काजू सूखा अंगूर मिश्री इस पंच खाद्य को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ स्थानों पर पोहे तथा चने की भीगी हुई दाल में दही शक्कर मिर्ची के टुकड़े नीम का अचार मिलाकर गोपाल काला बनाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ जगह महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। लड्डू बूंदी पूड़ी जो भी संभव है लोग करते हैं और बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती आयोजित की जाती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। शैक्षिक पटल और एक्सलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को आपने बहुत सहयोग किया। ऐसे भी आगे बने रही है हमारे साथ। शैक्षिक पटल और एक्सलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड डॉक्टर सुनीता को आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हमको प्रेरणा मिलेगी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें भी वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करें। वीडियो को पूरा देखें, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा तो हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। कभी कभी समयाभाव के बावजूद आपके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमें सहयोग कीजिए। अभी तक आपके सहयोग और समर्थन के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।